जो ब्यूरो चीफ है सुभाष कौर वो मेरे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले देहरादून का मैं रुख करूंगी। सुभाष, देहरादून में किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक होगी। सबसे पहले तस्वीर बिल्कुल कहा जा सकता है, राजधानी देहरादून में भी उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा दिख रहा है, और ये कहा जा सकता है कि इस ठंड में भी सुबह 8 बजे से पहले ही लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं और मतदान करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार की उम्मीद की जा रही थी कि शायद लोग 9 बजे के बाद पोलिंग करने पहुंचेंगे और 9 बजे के बाद पोलिंग बूथों पर भीड़ लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर भीड़ नजर आ रही है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून का रायपुर विधानसभा का पोलिंग बूथ है, और इस पोलिंग बूथ में सुबह से ही जो भीड़ है वो आपको नजर आने लगेगी, यानी कि जो लोग हैं वो मतदान करते हुए आपको अब नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही कहा जा सकता है ये केवल इसी बूथ का नहीं है, बल्कि हम सुबह से लगभग 3 से 4 बूथों पर होकर आ गए हैं, और सभी बूथों की यही स्थिति है, लोग कहीं ना कहीं अब सोशल डिस्टेंस को भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो मुस्तैद नजर आ रही है, और मुस्तैदी से सभी लोग काम करते हुए भी राजधानी देहरादून में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, देखा जाए तो ठंड क्योंकि काफी है उत्तराखंड में, तो और ज्यादा पड़ रही है, उसका असर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आप पीछे दिखा रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद नजर आ रही है। क्या लगता है किन किन मुद्दों पर जो आम जनता है मतदान करने जा रही है, क्योंकि आप सुबह से निकले हुए हैं, आपने अभी कहा कि आप अलग अलग पोलिंग बूथों पर गए हैं, तो आपने बातचीत भी करी होगी लोगों से। बिल्कुल, जब लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं तो उनके अंदर अलग अलग ऊर्जा नजर आ रही है। कुछ लोग बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है, और बीजेपी में केवल क्षेत्रीय जो कैंडिडेट है उसको देखकर नहीं, बल्कि केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी को देखकर लोग यहाँ मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस को मतदान करने पहुंच रहे हैं, वो 5 साल भाजपा सरकार ने जो विकास कार्य किए और उन विकास कार्यों का फायदा उन लोगों को नहीं मिला, उसको लेकर जरूर वो गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है।